नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। देश भर में आज होली की धूम, आम जनता के साथ नेताओं ने भी जमकर होली खेली है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां तमाम मंत्री और नेता होली के रंग में रंगे नजर आए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीरें जो सामने आई हैं। उन्होंने अपने गृहग्राम बगिया में पूजा अर्चना के बाद पूरे परिवार के साथ दूसरों को भी रंग लगाकर होली खेली है। सभी को होली की शुभकामनाएं। भैया 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 आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया में हैं और यहाँ पे होली का जश्न चल रहा है। आइए हम सीएम सर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि होली का जो त्यौहार है उनका, पहली बार का उनका होली है, कैसा लग रहा है उनको आज पहली बार होली। सर आज होली का त्यौहार है, सर कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ घर में पहली होली? देखिए आज होली का त्यौहार है तो मैं सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और होली का त्यौहार ये बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है और इसमें दुश्मन भी गले मिलते हैं, तो ऐसा ही त्यौहार प्रेम का त्यौहार है। तो सबसे मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग इसको भाईचारा से और शांतिपूर्वक मनाएं और होली का सबको सम्यक फल मिले, सबका जीवन मंगलमय हो। सर होली पहला होली है आपका सर सीएम बनने के बाद आपके घर में, शुरुआत कैसे हुई सर होली के त्यौहार की आपके घर में, कैसे मनाया आज? देखिए आज यहाँ पर हमारे कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, वहाँ पर पूजा अर्चन की हम लोग सपत्नीक और उनको गुलाल चढ़ाए और जो भी आज घर में बना है मिष्ठान वगैरह उसका सब प्रसादी उनको लगाए और अब माता जी को सबसे पहले गुलाल लेकर उनका आशीर्वाद लिए और अब पूरे दिन भर लोगों के साथ होली खेलेंगे। पहली होली है सीएम बनने के बाद इनके साथ आपका कैसा लग रहा है? किनके साथ पहले बताइए तो, किनके साथ? साय जी के साथ। इनके साथ काय वो लगेगा, जैसे लगता है वैसे लग रहा है। पहला होली है, पहला होली एकदम अच्छा ही लग रहा है। बस यहाँ काला काला कमीज वाले बैठ कर आ गए, नवा नवा बस वही लग रहा है, बाकी तो सब हम लोग वैसे ही हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यही संदेश है कि हम हमेशा सदाबहार रहते हैं, अपने परिवार के साथ मस्त रहते हैं, चाहे कोई भी तीज त्यौहार हो सारे फैमिली हम पूरा परिवार मिलकर हम लोग मनाते हैं। तो इस बार पूरा छत्तीसगढ़ हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं और आज पूरा परिवार कहना चाहिए कि विशाल परिवार के बीच आज हम लोग खड़े हैं और उनका आशीर्वाद उनका सहयोग हमारे साथ रहे और हमारा आशीर्वाद और शुभकामना उन सबके साथ रहे और इसी तरह मिलजुल करके हम लोग को साथ में रहना है और अपने छत्तीसगढ़ की हरियाली को बनाए रखना है। धान का कटोरा कहलाता है तो बिल्कुल उस धान के कटोरे को बरकरार रखना है, किसान खुश, हम खुश और सब खुश। ये थी मिसेस सीएम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई दिया है होली के शुभ अवसर पर। शिवप्रताप सिंह राजपूत, जी मीडिया, जशपुर। सीएम विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश के डेप्यूटी सीएम अरुण साव भी होली की मस्ती में नजर आए हैं।
बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने समर्थकों के साथ होली का त्यौहार मनाया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मंदार भी बजाया है और साथ ही फाग भी गाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने बंगले पर होली पर्व का त्यौहार मना रहे हैं। इस दौरान देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह होली के रंग में डूब चुके हैं। तमाम जो गुलाल अभी लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। अरुण, ये क्या लगता है होली में इस बार कैसा त्यौहार रहेगा? इस बार की होली तो छत्तीसगढ़ में दुगने उत्साह और खुशी के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि प्रदेश में विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी की पालनहारी सरकार है, जिन्होंने माताओं बहनों को पैसा दिया, किसानों को पैसा दिया और एक नई खुशहाली की शुरुआत हुई है। इसलिए छत्तीसगढ़ में दुगने उत्साह के साथ ये होली का पर्व मनाया जा रहा है। आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तमाम दर्शकों के साथ आप देख रहे, तमाम समर्थकों के साथ आप होली के रंग में डूब गए हैं, कैसा महसूस कर रहे इस होली के रंग में? होली तो उमंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलने का त्यौहार है और होली के त्योहार में फाग होने लगे तो उत्साह और दुगना होता है। परंपरागत व्यंजन भी होली में बनते हैं, देहरौरी और गुजिया, इसका आवश्यक रूप से चलन आज के दिन होता है। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का ये अनुपम त्यौहार है, सब लोग उल्लास के साथ, खुशियों के साथ, सद्भावना के साथ ये त्यौहार मनाए। आप होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब मिलकर प्रेम से रहें और छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर ले चलें। जिस तरह से रंगों में डूबा है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा इसी तरह भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 4 जून को जब मतगणना होगी, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 बार मिलेगा और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो होली का रंग है इसमें पूरी तरह से लोग डूब चुके हैं और होली का रंग दुगना हो चुका है और ज्यादा जब रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, इसके बाद ही और ज्यादा रंग डूबेगा, होली में लोग सराबोर हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रही है जिससे लोग काफी प्रसन्न है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे डेप्यूटी सीएम यानी विजय शर्मा ने भी होली के रंग में वो रंगे नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा कवर्धा दौरे पर हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने होली खेली और सभी को होली की बधाई दी, फाग गीत भी गाते वो नजर आए। वहीं उनके साथ होली के रंग में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सांसद ज्योत सिन्हा महंत और मंत्री लखन देवांगन भी रंगे नजर आए। Thank you.